नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जॉब स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स, आज जो है बिहार विधानसभा की बाकी पोस्टों पर जो है वो इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड कब जारी होगा, इसके बारे में बात करेंगे। जो कि 8 पोस्टों पे ये वैकेंसियां निकली हुई थी, जिसमें ड्राइवर के लिए जो है वो 15/7/2019 से इसका इंटरव्यू जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 7 पोस्ट बचेंगे, जिसमें माली, दरवान, सफाई कर्मी और जो है कार्यालय परिचारी और भी 2 जो पोस्ट हैं उस पर जो है इंटरव्यू होनी बाकी है अभी। और फ्रेंड्स, कौन से पोस्ट पर कितनी सीट है वो मैं आपको बता दूंगा, और लगभग में कितने जो है यहाँ पे फॉर्म जो है फिलअप करे गए थे और कितने स्टूडेंट जो है यहाँ पे भाग लेने वाले, तो ये सब के बारे में बात करूँगा। और साथ ही एक खास बात ये भी है कि बाकी पोस्टों के लिए एडमिट कार्ड कब तक जो है रिलीज करी जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करिए। फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा की पल पल की खबर जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसके ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है देख लेते हैं इन पोस्टों के बारे में, जो कि चालक का तो अभी इंटरव्यू हो ही रहा है फ्रेंड्स, इसका छोड़ के जो है बाकी सारे पोस्टों को देखते हैं। तो पहले आता है दूसरे नंबर पे पुस्तकालय परिचारी का, जिसमें जो है वह 3 अनारक्षित और 1 जो है अनुसूचित जाति की थी फ्रेंड्स। यानी टोटल इसमें जो है 7 पोस्ट पे जो है ये वैकेंसियाँ आई हुई थी, और जो है क्रम पत्र वितरक के लिए जो यहाँ पे 10 जो है वह पदों पे आई हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे वैकेंसी जो है आई हुई थी फ्रेंड, वह कार्यालय परिचारी के लिए जो ऑफिशियल वर्क थी उसमें यहाँ पे जो है यहाँ पे 90 सीट जो है उस पर आई हुई थी फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा जो है अप्लाई इसी जो है फॉर्म पे करी गई थी, इसी पोस्ट पे करी गई थी फ्रेंड्स। इस पर लगभग जो है वो 2.5 लाख से जो है करीब 3 लाख के करीब जो यहाँ पे अप्लाई किया गया था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें एक और ये सिस्टम दे रखा था कि एक स्टूडेंट जो है सारे पोस्टों पे जो है अप्लाई फॉर्म कर सकते थे। जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस थे उन्होंने चालक के पद पे भी किया, और बाकी 7 जितने भी मतलब पोस्ट थे उस पर भी अप्लाई करे थे। तो इस कारण से जो है यहाँ पे कंपटीशन थोड़ी हार्ड हो गई थी फ्रेंड। उसके बाद जो यहाँ पे कार्यालय परिचारी जो दरवान के लिए थी फ्रेंड्स, उसमें 9 सीट थी। और नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ 3 जो है ये वाली कार्यालय परिचारी के लिए जो सफाई कर्मी थे उनके लिए यहाँ पे 10 सीट जो है निकाली गई थी, और कार्यालय परिचारी जो कि माली के लिए थे इनके लिए यहाँ पे 20 सीटें थी फ्रेंड्स। और कार्यालय परिचारी जो है फर्रास के लिए उनको यहाँ पे 6 सीटों पे जो है बहाली निकाली गई थी फ्रेंड। तो मैंने सब आपको पहले तो ये दिखा दिया फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है वो कितने दिनों तक जो है इसकी एग्ज़ाम चलेगी ड्राइवर की, उसके बाद जो कौन से जो है वो पोस्टों के लिए एडमिट कार्ड आएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ड्राइवर के जो एडमिट कार्ड आए हैं उनके हिसाब से अगर देख ले फ्रेंड्स, तो इसकी जो है वह 27/5/2019 से जो है वह 3/6/2019 के बीच में यहाँ पे जो है इसकी एडमिट कार्ड आई थी फ्रेंड्स। इसके बीच में यानी कि यहाँ पे जो है आपको 7 दिन की जो है यहाँ पे टाइम दी गई थी जो कि आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ पे जो है 8 से जो है आपको 17/6 तक जो है यहाँ पे आपका डेट था फ्रेंड। तो ये भी जो है 8-9 दिन का टाइम दिया गया था। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जो है करीब 16,500 स्टूडेंट का है, यानी कि 17,000 स्टूडेंटों का यहाँ पे जो है इंटरव्यू होने वाला है। उनके लिए यहाँ पे डेट आपको देख सकते हैं कि 15/7/2019 से जो है 19/8/2019 तक का समय दिया गया है। यानी कि यहाँ पे करीब आप देख सकते हैं तो 18-19 दिन का जो यहाँ पे समय दिया गया है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि अब बाकी पोस्टों का जितने भी बचे हुए जैसे माली, सफाई कर्मी और कार्यालय परिचालक, इन सभी का जो है यहाँ पे आने में करीब समय लगेगा, यहाँ पे जो 8वें महीने में आ सकता है फ्रेंड्स। यानी कि 15/8/2019 तक जो है इसकी वह आ सकती है, वो भी सारी पोस्टों पे एक बार नहीं आएगी फ्रेंड्स। सबसे पहले किसकी आएगी वो मैं बता दे रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अगले महीने अगर आ सकती है
हाँ, यानी कि 8/15/2019 के मध्य में अगर आएगी किसी पोस्ट के लिए, तो वो जो है 4 नंबर जो कार्यालय परिचारी की है, जो कि 90 सीटों पे है, उसकी आ सकती है। नहीं तो आप जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि माली के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ आई हुई थी पोस्ट के लिए 20 पोस्टों पे, उनके लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड इंटरव्यू के लिए आ सकती है फ्रेंड्स। इसमें जो है सिर्फ जो है वह 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, और कोई चीज़ इसमें जो है आपका वह जांच नहीं करी जाएगी फ्रेंड्स। जैसे कि ड्राइवर में उनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट था, इसलिए उनका जो है वो चेक किया गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बारी बारी से जो है आएगा, करीब जो है 1 महीने का जो है यहाँ पे समय लगेगी एक पोस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो है वह हर एक पोस्ट के लिए 1 महीने का समय लगेगा फ्रेंड। तो इस हिसाब से यहाँ पे समय थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है फ्रेंड। तो यहाँ पे बारी बारी से जो है सारे पोस्टों का एडमिट कार्ड आएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों ने यहाँ पे बहुत सारी कमेंट कर रहे थे कि कब आएगा और बाकी पोस्टों का, तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जितना समय मिल रहा है अभी उतना अच्छा है आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीटें जो है बहुत कम है और यहाँ पे कंपटीशन थोड़ी सी टफ हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने इन सभी पोस्टों पे जो है अप्लाई करे हैं। यानी कि एक स्टूडेंट ने यहाँ पे जो है 7-7 8-8 जो है पोस्टों पे अप्लाई करे हुए हैं, तो इसलिए तो इसी कंपटीशन बढ़ जाती है फ्रेंड्स। आप लोग को जितना हो सके उतना जो है बिहार का GK GS पढ़िए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग ने भी अप्लाई करे हैं और ड्राइवर के लिए या किसी अन्य पोस्ट के लिए भी, तो फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर जो है प्रत्येक दिन जो है सुबह में 6:30 बजे में एक वीडियो जो है वह बिहार से रिलेटेड डालता हूँ, जो कि आपको बिहार विधानसभा इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स एक जो है आपको 7 बजे के करीब शाम में आपको एक वीडियो डालता हूँ मैं अपने यूट्यूब पे के चैनल पे फ्रेंड्स, तो आप दोनों वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे उसमें जो है यूनिक क्वेश्चन होती है, जो कि पिछले साल जो आई हुई थी 2018 में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछे गए थे, तो उसी के आधार पर बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कलेक्ट करके डाली हुई है फ्रेंड्स। सारी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेक कीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपका जो है आ चुक जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं या ऊपर आई बटन से आप क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड्स इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा इनसे जानकारी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।